नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। आर्थिक तंगी से जूझ रहे इंदौर नगर निगम ने अपनी आय का नया जरिया खोज लिया है। इस नए तरीके से निगम को एक या दो साल नहीं बल्कि आने वाले 30 सालों तक कम से कम हर साल 50 लाख की वार्षिक आय होगी। इस अनूठी पहल के साथ देश के सबसे स्वच्छ शहरों में पहले स्थान पर मौजूद इंदौर के एक बार फिर देश के नक्शे पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। इस बार कार्बन क्रेडिट को बेचकर इंदौर देश के अग्रणी शहरों में मिसाल पेश कर रहा है। दरअसल इंदौर की आईएएस अदिति गर्ग ने कार्बन क्रेडिट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न सिर्फ बेचा बल्कि उससे 50 लाख की आय भी अर्जित की है, जिसके चलते वो देश की पहली ऐसी आईएएस बन चुकी है जिन्होंने कार्बन क्रेडिट के माध्यम से 50 लाख रुपए की आय अर्जित की है। आईएएस अदिति गर्ग की माने तो गीले कचरे से निकलने वाली मीथेन गैस में सामान्य से 24 गुना ज्यादा कार्बन कंपोनेंट होते हैं जिससे पर्यावरण प्रदूषित होता है। इंदौर में बायो मिथेनाइजेशन प्लांट लगने से जो प्रदूषण फैल रहा था वो कम हुआ। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से इसकी गणना के बाद शहर को कार्बन क्रेडिट मिला है। इंदौर से 2017 से 2019 तक 1,70,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण में घुलने से रोका है। आईएएस अदिति गर्ग का कहना है कि कार्बन क्रेडिट को लेकर इंदौर के सामने भी कई चुनौतियां थीं, लेकिन उन चुनौतियों को पूरा कर दिखाया है और अब देश के दूसरे शहर इंदौर से कार्बन क्रेडिट अर्जित करने की कला सीखने की मांग कर रहे हैं, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के मुताबिक तैयार किया जा सके और उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेचा जा सके। कार्बन क्रेडिट को तैयार कर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचने के साथ इंदौर ने यह साबित कर दिया है कि वो न सिर्फ पर्यावरण का संरक्षण करेगा बल्कि कार्बन क्रेडिट के माध्यम से आने वाले दिनों में करोड़ों रुपए की आय भी अर्जित करेगा। कार्बन क्रेडिट्स को लेकर इंदौर में जो काम किया गया है उसमें स्मार्ट सिटी और नगर निगम के 3 शेष प्रोजेक्ट लिए गए हैं, बायो मिथेनाइजेशन और बायो कंपोस्टिंग को लेकर। और उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर हम लोग ने इंटरनेशनल मार्केट में कार्बन क्रेडिट्स अर्न किए थे। इसमें विशेषता इंदौर की ये रही है कि हम लोग ने ये कार्बन क्रेडिट्स अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसे सेल भी कर दिया है, जिसे ट्रेडिंग कहते हैं। और इस ट्रेडिंग से हमें जो आय प्राप्त हुई है वो करीब 50 लाख है और ये मिनिमम 50 लाख्स ईयरली रेवेन्यू रहेगा अगले 30 सालों के लिए। मैम, इसमें आम जनता को भी जोड़ने की कवायद की बात की जा रही थी, कैसे आम जनता को इससे जोड़ा जाएगा? मेरा ये मानना है कि हम लोग ने जो अभी इनिशियल प्रोजेक्ट्स लिए थे वो केवल स्मार्ट सिटी और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के थे और आगे चल के हम लोग और भी इसमें ऐसे प्रोजेक्ट्स जोड़ सकते हैं जिसमें निजी व्यक्ति ने या निजी किसी संस्था ने निवेश करके इसमें कार्बन क्रेडिट सेविंग जनरेट की हो, और मेरी ये उम्मीद है कि हम उन्हें भी इसे जोड़ के आगे उनके लिए एक आय का स्रोत उत्पन्न कर सकते हैं। मैडम, क्या कोई अगर निजी कंपनी आगे आती है तो उसे जो आया जाती है, क्योंकि फिलहाल शायद जो बीच में एक एजेंसी है जो बेचने में मदद कर रही है उसे भी शायद कमीशन दिया जाता है, उसके बाद जो बचता है वो हमारी आय होती है, तो उसके लिए भी कुछ ऐसी सुविधा या प्लेटफॉर्म दिया जाएगा जिससे वो उसे एक मदद मिल सके सेल करने में? हाँ जी, देखिए अभी जो ट्रेडिंग होती है वो ट्रेडिंग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे होती है क्योंकि भारत में इसका कोई एक मार्केट नहीं है जहाँ पे ट्रेडिंग हो सके। तो कोशिश ये रहती है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जब ट्रेडिंग हो तो उसका प्रॉपर वेरिफिकेशन, उसका ऑडिट किया जाए। ये वेरिफिकेशन और ऑडिट काम कराने के लिए हम लोग एक थर्ड पार्टी पर डिपेंडेंट होते हैं जो हम लोग के लिए वेरीफाई और ऑडिट करके इसे उत्पन्न कराते हैं, तो उनकी जो फ़ी होती है वो तो हमें वैसे भी पे करनी ही होती है। निजी व्यक्तियों और निजी संस्थाओं के द्वारा जो इन्वेस्टमेंट किया जाएगा उसमें भी वेरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी और ऑडिट कराना होगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। पर मुझे उम्मीद है कि उन्हें जो उसके बाद भी जो आय प्राप्त होगी उससे उनके जो कॉस्ट हैं, जो उनको लागत लगी है, लागत मूल, उससे भी कवर हो जाएगी। मैडम, आइडिया ये कैसे निकला कि कार्बन क्रेडिट से भी आय निकाली जा सकती है, क्योंकि एशिया का पहला प्रोजेक्ट ये माना जा रहा है? जी देखिए, काफ़ी सारे अन्य शहरों ने भी इसमें कदम उठाए हैं और कई ऐसी जगह हैं जो जहाँ पे लोग ट्राई कर रहे हैं कि कार्बन क्रेडिट से जनरेट होके कुछ इनकम मिले। परंतु इंदौर में हम लोग इसलिए यहाँ पे सक्सेसफुल हो सके क्योंकि इंदौर में हमने इसकी ट्रेडिंग भी की है। केवल कार्बन क्रेडिट जनरेट करने की बात नहीं है, इसको हमने ट्रेड भी किया है, हमने इसे व्यय किया। और जब हमने इसे एक तरीके से बाहर के बायर्स से हमने चर्चा की कि हमारे ये कार्बन क्रेडिट प्रोजेक्ट्स हैं, तो उन्होंने प्रोजेक्ट में भी इंटरेस्ट लेकर जाना कि हमारे कौन से प्रोजेक्ट हैं।
और जब उन्हें जानकारी मिली कि इंदौर में ऐसे कुछ विशेष काम और प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तो जो जो स्तर कोट हुआ, जो यूएसडी का रेट कोट हुआ, वो काफ़ी हाई था, इसीलिए हम लोग उसे ट्रेड कर पाए। मुझे लगता है कि इंदौर की रेपुटेशन, इंदौर का काम, लोगों का एक तरीके से स्वच्छता से जुड़ना, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हुई हैं हमारे कार्बन क्रेडिट्स को सेल करने के लिए। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर, लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।